आर्पीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। वैसे कैसी लगती है हमारी खबरें, कैसे लगते हमारे वीडियोस, नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी बताइए। वैसे आज भी लेकर आ चुके आप सभी के लिए एकदम कमाल की ताजा खबरें, आपको सुनने में मजा आएगा। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो आए तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। जी हाँ, तो दोस्तों बिना वक्त गवाए आज की भी टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों आइकू से। वह आइकू Z9S सीरीज 21 अगस्त को लॉन्च होने वाली है भारत में, जहां पर यह सीरीज में हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, आइकू Z9S, आइकू Z9S Pro। वैसे आइकू Z9S Pro स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स निकल कर बाहर आ चुकी है लॉन्चिंग से पहले। अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो 6.78 इंच के में 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, aperture plus डिस्प्ले वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट के में ताकत देखने को मिलेगी, 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, हालांकि 16 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है वो भी 80 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, 4500 nits के में पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। जी हां, इस सेगमेंट में पहला स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों। वैसे यही स्मार्टफोन में हमें एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, IP64 की रेटिंग भी होने वाली है। और यही स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें, इस स्मार्टफोन की प्राइस कही जा रही है सारी ऑफर्स को मिला के कुछ 25,000 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिलेगी भारत में। जी हाँ, अब देखते हैं दोस्तों ये स्मार्टफोन को भारत में किस कीमत पे लॉन्च किया जाता है। मीडियाटेक की बात करें दोस्तों तो मीडियाटेक ने अपनी नई चिपसेट मीडियाटेक हेलियो G100 को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। वैसे यही चिपसेट की अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये चिपसेट 6nm पर बेस्ड होने वाली है। जी हाँ, जिसमें आपको एलिवेटर मोड देखने को मिल जाएगा, ये 4G चिपसेट रहेगी, हाइपर इंजन का सपोर्ट होने वाला है एंड 200 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ऐसे और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे देखते हैं दोस्तों यही चिपसेट का इस्तेमाल सबसे पहले कौन से स्मार्टफोन में किया जाता है। OnePlus की बात करें तो वे OnePlus Buds Pro 3, ये जो OnePlus के और सामने लेटेस्ट उनके अपकमिंग TWS है जो कि 20 अगस्त को लॉन्च होने वाला है ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में भी। जी हाँ, वैसे एक्सपेक्टेड प्राइस कही जा रही है भारत में 11,999 रुपीज होने वाली है ये TWS की। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेट्स सी। Realme की बात करें दोस्तों तो भाई Realme कहा जा रहा था 300 वॉट की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को शोकेस करने वाला है 14 अगस्त को। अब यहाँ पर दोस्तों Realme ने टीजर जारी कर दिया है और ये टीजर से पता लग रहा है दोस्तों Realme 300 वॉट नहीं 320 वॉट के फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को शोकेस करने वाला है। जी हाँ, 14 अगस्त को। वैसे दोस्तों कहा जा रहा है ये चार्जर से स्मार्टफोन को चार्ज करने पर 0 से लेकर 100% चार्ज होने में सिर्फ अंडर 5 मिनट्स का वक्त लगता है। क्रेजी। वैसे देखते हैं दोस्तों यही टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला सबसे पहला कौन सा स्मार्टफोन होता है जो कि हमें भारत में देखने को मिल जाता है। Realme की ओर से एक और खबर आ रही है दोस्तों, Realme 13 सीरीज बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलने वाली है भारत में। इसमें हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, Realme 13, Realme 13 Plus। वैसे दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन में कहा जा रहा है हमें MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिलेगा एंड 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने वाला है। जी हाँ, अब देखते हैं दोस्तों ये कौन सा स्मार्टफोन होता है। वैसे आप क्या एक्साइटेड हो Realme 13 सीरीज को लेकर, क्या सोचे कमेंट में बताइए। Xiaomi की बात करें दोस्तों, Xiaomi 14 Ultra ये जो स्मार्टफोन है जिसमें फाइनली सेकंड अपडेट आ चुकी है, या अगस्त की अपडेट आई है, लास्ट मंथ ही अभी अपडेट आके गई, यानी कि टाइम टू टाइम मंथ टू मंथ अपडेट दिया जा रहा है Xiaomi ये स्मार्टफोन में, वाकई काफी अच्छी बात है। वैसे ये 401 MB की अपडेट है, अगर आपके पास भी ये स्मार्टफोन अवेलेबल है तो जल्दी से जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, जो आपको थोड़े बहुत एनहेंस सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, आप उसका बेनिफिट लीजिए। Oppo की बात करें दोस्तों, में Oppo ने अपनी Oppo F 27 सीरीज में आने वाला Oppo F 27 Pro Plus ये स्मार्टफोन को जून में लॉन्च किया हुआ था, जो कि उनका पहला स्मार्टफोन था जो कि IP69 रेटिंग के साथ आया था, बर्बर के ब्रांडिंग किया गया था, एडवर्टाइजमेंट किया गया था। और ये जो सीरीज है जिसमें एक और नया स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा Oppo F 27। जी हाँ, जिसके लाइव इमेजेस निकल कर बाहर आ चुके हैं, आप खुद से देख लीजिए। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन कहा जा रहा है नेक्स्ट वीक में हमें देखने को मिलेगा भारत में। अब देखते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के क्या स्पेक्स रहते हैं, इसे किस कीमत पे कितनी ही जल्दी भारत में लॉन्च किया जाता है।
OnePlus की बात करें दोस्तों, OnePlus 13, OnePlus S3 Pro ये दोनों ही स्मार्टफोन में हमें सिरामिक बैक एडिशन देखने को मिला था। अब कहा जा रहा है दोस्तों जो OnePlus 13R स्मार्टफोन आएगा जिसमें भी हमें सिरामिक बैक एडिशन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों OnePlus 13R से रिलेटेड क्या कुछ और खबरें निकल कर सामने बाहर आती है। कम ग्रिल की बात करें भाई, अगर आपको चाहिए एक 5G स्मार्टफोन वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड का, फिर जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। दोस्तों आईकू के और से आईकू Z9 लाइट 5G ये स्मार्टफोन अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में Amazon पर देखने को मिल जा रहा है। वैसे यही स्मार्टफोन के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो 6.56 इंच के में एच रिफ्रेश डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ। 50+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है। MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट के में ताकत देखने को मिल जाएगी। 5000 mAh की बैटरी होने वाली है। वैसे बॉक्स में आपको चार्जर भी देखने को मिल जाता है और एक साल की वारंटी भी तो है, और क्या चाहिए। और यही स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो ये भी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहा है सिर्फ 10,499 रुपीज में। वैसे काफी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट द वॉर विथिन ये जो गेम है जिसके जो अर्ली एक्सेस है वो 23 अगस्त से शुरू होने वाले। जी हाँ दोस्तों, वैसे ब्लिज़र्ड एंटरटेनमेंट का टाइटल है, यानी कि काफी अच्छा टाइटल रहेगा। वैसे दोस्तों ये मल्टीप्लेयर गेम रहेगी, रोल प्लेइंग गेम होने वाली है। अगर आपको भी इस टाइप की ही गेम खेलने का मजा आता है तो ये गेम आपके लिए काफी बेहतरीन होगी। वैसे आप हमें ये बताइए दोस्तों, आपकी सबसे पसंदीदा मल्टीप्लेयर गेम कौन सी है, चाहे पीसी पे, चाहे कंसोल पे, चाहे स्मार्टफोन पे, जो भी गेम आपको पसंद कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।